सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो यार, आज हम लोग एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं और आज पे हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा विजय मेहर के ऊपर। सो जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस वाली फ़ोटो की, जैसे हम एडिटिंग करेंगे और कुछ इस तरह, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो पूरे लास्ट तक देखना। सो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, हमने ओपन कर लिया अपना पिक्सआर्ट ऐप और यहाँ पे मैं इस तरह की बैकग्राउंड की लिंक आपको PNGs में दे दूंगा, तो वहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर लेना। और गाइज, मैंने यहाँ पे सबसे पहले ऐड फोटो करके अपने मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, जैसा कि आप सबको जानते ही हैं। और उसके बाद अच्छे से एडजस्ट करके इसे डन करेंगे। फिर गाइज, हम चलेंगे यहाँ पे ड्रॉ टूल पे, और ड्रॉ पे आने के बाद हम बनाएंगे शैडो। तो यार, शैडो काफ़ी ध्यान से आपको देखना है, जिससे आप परफेक्टली एक अच्छे से शैडो बना पाओ। तो सबसे पहले अब यहाँ पे मैं आपको अपना इरेजर और यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर लेना है ब्लैक, और यहाँ पे अब मेरी जो ब्रश है उसको, उसकी टूल को देख लें। यहाँ पे मैंने यहाँ पे साइज 70 रखा हुआ है और ऑपेसिटी फुल है, और यहाँ पे इसको आपको इस तरह चलाना है। अभी आप इसको पूरा देखो, और जिस तरह मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट करते जा रहा हूँ, आपको भी उसी तरह करते हुए इसे शैडो बनाना है इस तरह। और ये काफ़ी कमाल की शैडो लगेगी, अभी आप देखते जाओ। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। इस देख सकते हो काफ़ी कमाल की वीडियो, अच्छी सी शैडो बन चुकी है, जिसके हमने ऑपेसिटी मैंने यहाँ पे कम करके 35 किया है। अब हम इसे और थोड़ा रियल बनाने के लिए इसे अपने साइज़ को, इरेजर के साइज़ को बड़ा करके इसे हल्के हल्के ऊपर से आप इरेज कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी हमारा शैडो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। सो गाइज, अब यहाँ से इसे हम लोग डन कर लेंगे। अब बारी है कुछ PNGs को हम लोग ऐड करेंगे। तो PNGs ऐड करेंगे, सो सबसे पहले हम लोग चलेंगे ऐड फोटोज़ पे, और गाइज हम लोग ऐड फोटोज़ पे आने के बाद इस तरह के PNGs की भी लिंक, ये स्मोक के PNGs की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस, इसे हम लोग यहाँ पे स्मोक को ब्लेंड करेंगे स्क्रीन तरफ की तरफ, और इसे यहाँ पे मैं अच्छे से एडजस्ट करूँगा। सेम काम हम दूसरे वाले स्मोक पे भी करेंगे। ओके गाइज, तो हमने अच्छे से स्मोक एडजस्ट कर लिया है, और हम इसकी ऑपेसिटी रखेंगे तकरीबन 92 के आसपास, सो जिससे कि हमारा स्मोक और भी अच्छे से इसमें लगे, और हम इसे यहाँ पे डन कर देंगे। ओके गाइज, हमने यहाँ पे अच्छे से डन कर लिया है। अब हम और कुछ PNGs ऐड करेंगे, और ये PNGs, ये सारे PNGs देख सकते हैं, और PNG यहाँ पे मैंने ये वाला इम्पोर्ट कर लिया है, और इसे हम पहले एडजस्ट पे जाएंगे, और इसकी सैचुरेशन हम -100 कर देंगे। और -100 करने के बाद यहाँ पे हम इसे डन करने के बाद ब्लेंड मोड में इसे स्क्रीन पे करेंगे, और इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद आप कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स को यहाँ पे इरेज कर सकते हैं, जो हमारी मॉडल पे लग रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं लग रही है, तो आप उसे अच्छे से इरेज कर सकते हैं। फिर अच्छे से हम इसे यहाँ पर डन कर देंगे। ओके, इस डन कर लिया है। अब एक और PNGs हमें यहाँ पे ऐड करना है, सेम वही, और इसे हम सिंपली जाके ब्लेंड पे स्क्रीन कर देंगे, और इसे भी अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, और उसकी ऑपेसिटी हम तकरीबन 50 के आसपास रखेंगे। ओके गाइज, आप यहाँ से डन कर लेंगे। और अब हमारी बारी है यहाँ पे टूल्स की। टूल्स पे चलने के बाद हम यहाँ पे कर्व सिलेक्ट करेंगे, और कर्व सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बीच वाले टोन, यहाँ पे मिड टोन, यहाँ पे बीच वाला जो है उस पर आपको क्लिक करना है, और पॉइंट रख के हल्के से ऊपर यहाँ पे ले जाना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपको भी उसी तरह सेम करना है, और इसे यहाँ से डन कर देंगे। अब देख सकते हो हमारे फ़ोटो में काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस आ चुकी है। अब हम जो फाइनल टचअप करेंगे वो होगा लाइट रूम में, तो वो वाला पूरे लास्ट तक देखो।
और इससे कि हमारी फ़ोटो जो फाइनल टचअप मिलेगी उस पर लाइट रूम पर। तो पहले इसे सेव कर लेते हैं और ओपन करते हैं लाइट रूम। और गाइस लाइट रूम में आने के बाद आपको सबसे पहले सन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद हम एक्सपोज़र हल्के से कम करेंगे। यहाँ पे एक्सपोज़र में देख सकते हो, यहाँ पे मैं 0.14 रखा हूँ माइनस की ओर। और गाइस कॉन्ट्रास्ट को मैंने यहाँ पे 14 लिया हुआ है और हाईलाइट्स को मैंने -16 किया है। और यहाँ पे शेडो को भी हल्के से यहाँ पे कम करेंगे, तकरीबन -7। वाइट्स को मैं यहाँ पे हल्के से बढ़ाऊँगा +5 की ओर। और यहाँ पे ब्लैक्स को हम कम करेंगे। ओके गाइस, ब्लैक्स को मैंने यहाँ पे -31 किया हुआ है। अब आएंगे यहाँ पे कलर्स पे। कलर्स पे आने के बाद आपको टेम्परेचर के लिए आना है माइनस की तरफ, -8। और यहाँ पे सैचुरेशन मैंने किया हुआ है मैंने सैचुरेशन को -27 किया है। और वाइब्रेंस को भी हम थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज़ कर देते हैं। और गाइस अब मैं चलेंगे यहाँ पे मिक्स पे। मिक्स पे क्लिक करने के बाद आपको आना है ऑरेंज पे और उसकी सैचुरेशन कम करनी है, मैंने किया हुआ -12। और इसकी ल्यूमिनेंस को आप इंक्रीज़ करोगे ऑरेंज कलर पे। आप जैसे करने से हमारे फेस पे अच्छे ग्लो आ चुकी है। और अब हम चलेंगे नीचे और इसकी टेक्सचर इंक्रीज़ करेंगे थोड़ी सी। टेक्सचर को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 8। और यहाँ पे हम क्लैरिटी को भी इंक्रीज़ करेंगे, क्लैरिटी को हम रखेंगे 13। और यहाँ पे डीएज 11। विग्नेट को मैं यहाँ पे कम कर रहा हूँ और विग्नेट को मैं यहाँ पे -10 रखूँगा। ओके गाइस, अब थोड़ी सी इसकी शार्पनिंग बढ़ाते हैं। शार्पनिंग को भी यहाँ पे हम 10 करेंगे और मास्किंग को हम यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे तकरीबन 30-31 के आसपास। नॉइज़ रिडक्शन को भी हम यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे, मैंने नॉइज़ रिडक्शन 17 लिया हुआ है 17। और यहाँ पे कलर नॉइज़ रिडक्शन को भी आपको हल्के से इंक्रीज़ करना है 25-30 के बीच। सो गाइस, लगभग हमारा फ़ोटो डन हो चुका है, काफ़ी अच्छा से हमारी एडिटिंग हो चुकी है। पर अगर फाइनल टचअप देना है तो उसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे सिलेक्टिव टूल पे। तो सिलेक्टिव टूल पे आप देख सकते हो, आपको सिलेक्टिव टूल पे सिलेक्ट करने के बाद स्क्वायर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्क्वायर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आपको इस तरह यहाँ पर एडजस्ट करना है अपनी फ़ोटो की तरफ। और इसके पीछे साइड जो लेफ्ट साइड है इसकी फ़ोटो की, वहाँ पे हम लोग इसकी थोड़ी ब्राइटनेस कम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक्सपोज़र को कम कर लिया तकरीबन -0.48। और हाईलाइट्स को यहाँ पे 17 करेंगे और वाइट्स को 20। और अब हमारी फ़ोटो काफ़ी अच्छी लगने लग गई है। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा तो कमेंट करना, इस तरह की एडिटिंग आप भी करो और लाइक कर देना इस वीडियो को। और मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।